बिना चौकीदार वाले एक एटीएम पर चोरों ने ऐसा धावा बोला कि 4 लाख रुपए की नकदी भरी पूरी मशीन ही ले पाके। घटना वाड़ी थाना अंतर्गत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात खड़गांव रोड स्थित इंदिरा नगर झोपड़पट्टी के पास इंडिया वन नाम की कंपनी की एटीएम मशीन लगी हुई थी। चोरों ने पहले मशीन केबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े और फिर पूरी मशीन ले भागे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि केबिन के भीतर के सीसीटीवी तोड़े जा चुके थे। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले इन कैमरों को अपने कब्जे में लिया, फिर आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग जांची तो एक चार पहिया वाहन में चोर आते दिखाई दिए। जांच में पता चला कि चोर काफी शातिर है, इसलिए उन्होंने चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल किया। रिकॉर्डिंग में दिखा कि सभी चोरों ने बुर्का पहन रखा था। उन्होंने आधुनिक औजारों से मशीन को जमीन से बाहर निकाला और गाड़ी में रखकर फरार हो गए। वास्तव में चोरों ने एटीएम मशीन पर चौकीदार के नहीं होने का फायदा उठाया है। कंपनी ने यहाँ पर किसी भी चौकीदार की नियुक्ति नहीं की थी। पोस्टाधित दिनांक 31/12/2019 रोजी पहाटे 00:50 ते सकाळी 8 वाजताचे दरम्याने खडगाव रोडला इंडिया वन एटीएम मशीन एका दुकानात बसवलेले आहे। ते मशीनसह उखडून जमिनीतून अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेलेलं आहे। त्या मशीनमध्ये सुमारे 3.5 ते 4 लाख रुपये आहेत असं फिर्यादी अल्ताफ हाजी अहमद हडपा राणा लकडगंज हे त्याचे डीलरशिप त्यांनी घेतलेले ते बसवायचं मशीन त्यांनी असं कळवलं आहे आणि मशीनची किंमत सुमारे 4 लाख असं आहे। ही मशीन चोरीला गेलेली बद्दल आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। अज्ञात चोरट्यांचा तपास चालू आहे आणि आताच आम्हाला माहिती मिळाली आहे की हिंगणा पोस्टे हद्दीत मांगली आणि मोगाव हे जे गाव आहेत त्याच्या रोडच्या उजव्या साईडला बाबळीच्या झाडाखाली काही मशीनचे म्हणजे एटीएम मशीनचे तोडलेले अवस्थेत स्पेअर पार्ट सारख्या अवस्थेत पडलेले मिळाले आहे। इनबीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।